नमस्कार आज बातचीत है आपके अपने वास्तविक प्रेम की कैसे जाने तुम्हारा जीवन साथी ठीक है या नहीं कैसे जाने तुम जिससे प्रेम कर रहे हो वो अनुकूल व्यक्ति है भी या नहीं कैसे समझोगे कैसे इस बात को जान सकते हो कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक है या नहीं हां ये कैसे पता चल सकता है कि जो भी आपके अपने जीवन में चल रहा है वो पथ वो मार्ग रास्ता सही है या नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि आप जिसको मान बैठे हो क्या वो आपका साथ जीवन भर देगा या नहीं जिसे आप कंप्लीट सब कुछ समझते हो वो आपके अपने जीवन में कहां स्टैंड करता है ये बहुत महत्वपूर्ण है ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसे आप अपने हार्ट के आधार पर कैलकुलेट कर सकते हो ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसके आधार पर आप ये जान समझ सकते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है एक और महत्वपूर्ण बात ज्योतिष एक ऐसा विषय है ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आधार पर यह बहुत अच्छी तरीके से जाना और समझा जा सकता है कि आपका अपना पार्टनर कौन सा सही है और कौन सा नहीं कौन व्यक्ति आगे जाकर के आपको धोखा देगा और कौन किस समय आपको चीट करेगा ये पहले से और बाद में भी जाना जा सकता है और समझा जा सकता है ज्योतिष बहुत बड़ा विषय है ज्योतिष सागर है ज्योतिष एक रोशनी है प्रकाश है आईना है दर्पण है मिरर है जो भी आप समझो ज्योतिष अपने आप में एक कंप्लीट सब्जेक्ट है हुँ? वेद चक्षु के लिए स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांग मध्योत तेनोच्चते ये ऐसा विषय है शास्त्र और पुराण का नेत्र है आंखों के बगैर कोई नहीं देख सकता वैसे ही ज्योतिष के बगैर कोई समझ नहीं सकता चूंकि और कोई तरीका ही नहीं पहले तो लोग बहुत मधुर और मीठा बोलते हैं आगे जाकर के अपना रूप स्वरूप दिखाते हैं यकीन मानो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आज के समय में यह आवश्यक है जिसे आप सर्वस्व मान बैठे हो वो आपको कितना साथ देगा वो आपका साथ देगा भी या नहीं ये बहुत बहुत स्पेशल होगा ज्योतिषी आधार पर फोर्थ हाउस नाइन्थ हाउस और लग्न ये बहुत स्पेशली देखे जाते हैं ऐसी कंडीशन में ज्योतिष में नौमांश दसमांश और त्रिशांश बहुत स्पेशल तरीके से देखा जाता है ऐसी कंडीशन में क्या आपका पार्टनर एक्चुअल है भी या नहीं और एक बड़ी बात जब आप कार्मिक अकाउंट के आधार पर बात करते हो तो ये बड़ा स्पेशल हो जाता है कि आप इस चीज़ को बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से करें वरना आपके अपने जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आएंगे और आप गलतियों पे गलती करते करते चले जाएंगे और गलत लोगों को अपने जीवन में लाते हुए चले जाएंगे और वो कभी आपको नहीं मिलेंगे फिर आप बहुत परेशान होंगे तो चलो अगर ऐसी अव्यवस्थाओं से आप पीड़ित हैं तो भी और बचना चाहते हैं तो भी दोनों के कंडीशन पर लिख लीजिए उपाय नोट कर लीजिए कि आपको क्या करना होगा ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो सबसे पहला अपनी जो बैग है पर्स है उसको बहुत बेहतर तरीके से जरूर करके रखें क्योंकि मैक्सिमम लड़कियों की हो चाहे लड़कों की देखा मैंने पर्स और बैग बड़ी अस्त व्यस्त होती है कुछ भी कहीं भी रखे होते हैं बहुत शेड्यूल तरीके से बहुत सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए ये पहला नियम है ऐसा करने से आपका शुक्र और चंद्रमा दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कि आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके जेब में जो हैंकी हो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है तो उसे अच्छा रखने की कोशिश करें कपड़े लेते बड़े अच्छे और हैंकी अगर निकाल दिया किसी के सामने तो बाप रे पहले तो बहुत सारे परसेंट में लोग रखते ही नहीं है जो रखते भी हैं वो माशाला तो साहब इस चीज का बहुत ध्यान रखें तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि आपके अंदर वस्त्र जो हैं वो बहुत बहुत नीट एंड क्लीन और परफेक्ट होना चाहिए फटे पुराने ढीले खराब नहीं होने चाहिए अंदर वस्त्र की बात कर रहा हूँ ये बहुत स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो ही आप इन सब चीज़ों से बच पाएंगे तीसरा ओम बल्लभम गजानन का जप करें ओम श्रीम हृदय गणपते नमः का जाप कर सकते हैं ओम क्लीम क्लीम वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं ओम क्लीम ह्लीम आ, युगल पुरुषाय नमा करके बात कर सकते हैं भगवान कृष्ण की पूजा करने से भगवान कृष्ण को माखन मिश्री चलाने से भगवान कृष्ण के बार बार दर्शन करने से वृंदा बन जाने से ऐसी व्यवस्थाओं से आप बच पाते हैं क्योंकि युगल सरकार है ये 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 ऐसी जोड़ी है विश्व की पहली जिसने प्रेम को दर्शाया और प्रेम को बताया और शास्त्र और पुराण और भागवत के आधार पर प्रेम को भक्ति का नाम दिया गया है भक्ति प्रेम है और प्रेम भक्ति है इसको अमलया भक्ति बोलते हैं तो इनकी भक्ति करने वाले के जीवन में प्रेम बहुत स्पेशल मिलता है लेकिन भक्ति सच्ची और निष्ठावान होनी चाहिए सिर्फ बोलने के लिए राधे राधे ना हो अंदर से आनी चाहिए ये आवाज़ बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए समझने के लिए अगर कोई स्पेशल वस्तु पर बात करना चाहते हैं किसी स्पेशल सब्जेक्ट पर बात कराना चाहते हैं आप चाहते हैं मैं उस पर भी बात करूँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो पर कोई भी कुतर्क करने वाले व्यक्ति की बात मत सुनना बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारा नंबर है 08081426940 जीरो